अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तो जनाब मेरे किचन की जो खुशबू है ना, बड़ी ही मज़ेदार है, क्योंकि आज तो मैंने ना यम 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 बनाई है जनाब पंजीरी। और चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तो आपकी कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, इम्यूनिटी बूस्ट सब कुछ कर देगी, अनीमिया रिकवर हो जाएगा सब कुछ। और जनाब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए हुए, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं बोल के भी बता सकती हूँ, लेकिन ये सारे ऐड हैं, टेंशन नहीं लेनी, स्क्रीन पे आप पढ़ भी सकते हैं। तो व्यूअर्स, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, हर बंदा, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ और वो जो फीड करवाती हैं, और ये सारी मेरी बहनें जो है ना, लाजमी सर्दी में पंजीरी खाया करें भाई, अपने लिए ख़ास तौर पर खाया करें, क्योंकि ना गोडे गिट्टों का दर्द बड़ा ही जालिम होता है। व्यूअर्स, पंजीरी बनाने के लिए जनाब सबसे पहले पैन में ना आपने देसी घी ऐड करना है। देसी घी के अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। देसी घी में जितनी ताकत है ना, बड़ा ही मज़े का होता है, और जनाब इसको तो ना आप डिनाई नहीं कर सकते, इतनी माशाल्लाह इसके अंदर पावर होती है। और कोई मक्खन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक देसी घी है। और मैं तो अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा दुआएँ देती हूँ कि मुझे इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें जो है ना ला के देती रहती हैं। चलें जी, घी जो है वो मेल्ट हो गया है, और अब इसमें मैं शुगर, सॉरी 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 सॉरी, सूजी ऐड करूँगी। अच्छा, ये इतनी हेल्दी चीज़ है ना कि इसको किसी भी उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हैं खाना, और ये ज़्यादा नहीं खानी, 2 to 3 tablespoons इनफ है। तो आप लोग ज़रूर अपनी डाइट में ये शामिल करें, स्पेशली सर्दियों में। और जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और उनको ये साल स्पेशली दें, अपने हस्बैंड्स को दें, अपने भाई को दें, अपने अब्बू को दें, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत हेल्दी चीज़ है। ठीक है, ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है और खानी भी है। व्यूअर्स, सूजी तो यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल ब्राउन हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी, वरना जला जला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मेरी सूजी जो है ना बिल्कुल ब्राउन हो गई, और अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जितनी सूजी थी, हाफ के जी सूजी थी, तो हाफ के जी ही मैंने जो है ना ऐड की है ब्राउन शुगर। और जब आपने ब्राउन शुगर ऐड करनी है, तो आपने स्टोव जो है वो बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें बाकी जितने ड्राई फ्रूट्स जाएंगे और शक्कर भी, तो ये चूल्हा बंद होना चाहिए, वरना ये जल जाएगी और बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा इसका। व्यूअर्स, अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी किशमिश, रेजिन्स। उसके बाद वन बाय वन सारे आपने ऐड करने हैं जनाब ड्राई फ्रूट्स। ये सौंफ ऐड कर दी, और अच्छा यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो रही थी, तो मिक्सिंग साथ साथ करनी है, ये ना मतलब इसके लिए ना थोड़ी जान चाहिए होती है पंजीरी बनाने के लिए भी। जनाब इसमें मैंने ये खुबानी ऐड की है, खुश खुबानी, तो ये तो इसकी वजह से जो फ्लेवर बैलेंस हुआ मीठे का और बाकी चीज़ों का, क्योंकि आपको पता है ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो ऑलरेडी खुद भी मीठे होते हैं। अच्छा, इस वजह से ना इसका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये मैंने जनाब अखरोट ऐड कर दिए हैं पाउडर में, ये बादाम है उनका पाउडर है, और इसके बाद ये वो फूल मखाने हैं इनका पाउडर भी है, और थोड़े से मैंने साबुत भी रख दिए थे। ये हैं जनाब, इनको क्या कहते हैं, चार मगज़, हाँ जी। और उसके बाद ये तिल थे, ओके, ये ऐड हो गए। और इसके बाद इसकी करनी है मिक्सिंग, और इसको रूम टेम्परेचर पे ना आप मतलब आराम से एयर टाइट जार में, फ्रीज फ्रीज तो नहीं कर सकते, स्टोर कर सकते हैं आप अपने प्यारों को, ये एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी चीज़ है। आप 10 दिन अगर लगातार ये थोड़ी थोड़ी खाएंगे ना, तो आप बॉडी में जहाँ जहाँ जॉइंट पेन है, किसी भी किस्म का दर्द है, कुछ भी मसला है ना, जो आपको वीकनेस की वजह से, जो आपको टायर्डनेस फील होती है हर वक्त, थका थका और इस तरह की सारी फीलिंग, ये सारी ख़त्म हो जानी है, और जो आपका आयरन लेवल है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत हेल्दी चीज़ है। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी पंजीरी रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा सर्विंग कर लेती हूँ फटाफट, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको एयर टाइट जार में स्टोर कर लिया था। तो ये 3 to 6 month के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस चीज़ें जो है वो आपने सारी देसी यूज़ करनी है, ठीक है, इसमें शुगर तो बिल्कुल ऐड नहीं करनी। व्यूअर्स, आज तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ पंजीरी के हक में, लेकिन ये चीज़ ही बहुत अच्छी है। ओके व्यूअर्स, ये है जी मेरी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, और आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे।
उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।